need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? हेलो गाइस, वेलकम टू तेजमेडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल मूवी के बारे में। फाइनली सभी ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी और उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो काफी हैरान करने वाला था और ये पोस्ट क्रेडिट सीन एंड मोमेंट पे खत्म हो गया, यानी कि बस हमें एक लोगो दिखाई दिया जो कि कैप्टन मार्वल का था। देन जिनने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर पहली बार देखी तो उनके लिए तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन और देन सरप्राइजिंग होगा कि यार अब ये कौन सी बला आ गई, अब ये कौन सी मूवी है। और देन उन्होंने जब सर्च भी मारा होगा तो उन्हें ये कैरेक्टर कभी दिखा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पहली बार कोई मूवी मिल रही है सोलो जो कि बाद में रिलीज होगी। तो देन अगर इसका फर्स्ट लुक लॉन्च होगा तो वो क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से वो टीजर भी हो सकता है और देन एक पोस्टर भी हो सकता है जो कि कैप्टन मार्वल का एक ऑफिशियली होगा। बट रिलीज कब हो रहा है, तो इससे पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूं कि एंड विन द वास की ऑफिशियली ब्लू रे डिस्क लॉन्च होगी, उससे पहले हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाएगा। और देन ब्लू रे डिस्क कब लॉन्च होगी, तो ब्लू रे डिस्क लॉन्च होगी 23 को, जो कि ब्लू रे कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और देन ये अपडेट मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पेज पे दे चुका था, तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो तो आपको सारे अपडेट पहले ही पता चल जाएंगे मेरी वीडियो बनाने से पहले। और देन उसके बाद अगर ये फर्स्ट लुक टीजर के तौर पे लॉन्च हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, और उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज हमें एंटमैन ब्लू रे डिस्क में मिलेगी। मुझे मालूम कोई ऑर्डर नहीं करेगा क्योंकि पिक्चर ज्यादा खास नहीं थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखा या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।